हेलो दोस्तों, देखिए अडानी विलमार के रिजल्ट आए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में रिजल्ट देखेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली कंपनी यहाँ पर क्या कह रही है और यहाँ पर चार्ट क्या कह रहा है। तो देखिए, हमने 2 दिन पहले वीडियोस वैसे भी बनाई है अडानी विलमार से रिलेटेड, बट वहाँ पर कुछ और दिखाई दे रहा था। अभी मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स यहाँ पर बात करते हुए नजर आऊंगा, ओके। और उसके बाद क्या होता है वो नजर आ सकता है, वो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है, अडानी विलमार फॉर्च्यून से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, ओके। और यहाँ पर सारे जितने भी घरों में ऑयल, आटा, राइस एंड शुगर, जितनी भी ये चीजें यहाँ पर यूज होती है, ये सब के सब अडानी फॉर्च्यून के नाम से यहाँ पर बेचता हुआ नजर आता है। मार्केट कैप की बात करें तो देखिए, यहाँ पर ये मिड कैप कंपनी है, 54,431 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। और पी रेशो भी अच्छा अच्छा खासा है पी, बट ऑन द बेसिस ऑफ पी यहाँ पर कभी भी चीजें लेती नहीं है, ये मैं हमेशा अपनी वीडियोज में बताता हूँ। और लगभग 40% का यहाँ पर कंपनी को पर यहाँ पर डेट भी है यहाँ पर। और यहाँ पर हम बात करें 878 का इसने हाई लगा के 419 पे लगभग 50% यहाँ पर डाउन ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इसके रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए, कंपनी के रिजल्ट आए और यहाँ पर आप रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का 14,714 करोड़ रुपए का हाईएस्ट एवर, याद रखिए हाईएस्ट एवर यहाँ पर कंपनी का सेल्स आई है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 623 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 277 करोड़ रुपए का है, 277 करोड़ का, जो कि हाईएस्ट एवर तो नहीं कहूंगा, बट स्टिल यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा है। और यहाँ पर ईपीएस भी कंपनी का 2.13 है, जो कि बढ़ता हुआ क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे नजर आ रहा है। और यहाँ पर हम बात करें तो कंपनी का मार्जिन 4% का है, जो कि ईयरली बेसिस पे फ्लैट, बट क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम बात करें तो दुगना होता हुआ नजर आ रहा है। तो रिजल्ट कैसे है? रिजल्ट यहाँ पर मैं अच्छे रिजल्ट कहूंगा, ओके। रिजल्ट यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, रिजल्ट यहाँ पर एकदम अच्छे नजर आते हैं। और यहाँ पर प्रॉफिट ईयरली बेसिस पर भी कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है, कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती आई है, रिजर्व्स भी अच्छे खासे हैं और बोरिंग यहाँ पर कम है, बट धीरे धीरे बोरिंग भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंपनी ने 256 करोड़ रुपीज यहाँ पर खर्च कर रखे है, काम चल रहा है उनका, वर्क इन प्रोग्रेस में। यहाँ पर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है और कैश भी कंपनी के पास अच्छा है, और यहाँ पर प्रमोटर्स के पास होल्डिंग भी अच्छी खासी है, इस चीज को भी हमें यहाँ पर भूलना नहीं है। तो ये हो गई ओवरऑल बात। तो हम बात करेंगे यहाँ पर इसके चार्ट से रिलेटेड, चार्ट क्या कहते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, चार्ट और इसके फंडामेंटल साथ में चलते हैं, कभी कभी फंडामेंटल और ये चार्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग दिशा में चलते हुए नजर आते हैं, तो उनसे रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि इस तरह के वीडियो मिलते रहे। और सबसे पहले आपका थैंक यू सो मच कि आपने 7 के होने में मदद करी, बट कोशिश करिए कि शेयर करें, क्योंकि हम जो नॉलेज देते हैं वो कोई और नहीं देता हुआ नजर आता। और हमारा एक कोर्स है जो आपको पता है, अगर इन नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे 8860540501 8169261037, तो आपको पता चलेगा कि ये कोर्स हम ऑफर करते हैं, जहाँ टेक्निकल बेसिक्स टू एडवांस, रिसर्च और फंडामेंटल, ये सबसे ही सिखाते हुए दिखाई देते हैं 1-to-1, केवल आप और मैं। पूरे क्वेश्चन यहाँ पर आप पूछ सकते हो और उनके जवाब देने का मैं हकदार हूँ। 3 मंथ्स की प्रैक्टिकल लर्निंग, ऑनलाइन नोट्स और 15,000 रुपए का कोर्स, जहाँ पर 50,000 लेते हैं लोग यहाँ पर 15,000 में, और वो भी फंडामेंटल और रिसर्च के साथ। और आपने देखा है कि हमारी परफॉर्मेंस किस तरीके की है, हम किस तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है वेल्थ क्रिएटर, आप चाहो तो इन नंबरों पे कांटेक्ट करके वेल्थ क्रिएटर ग्रुप में ऐड हो सकते हो। 1,000 रुपीज पर मंथ की फीस है, जहां पर मैं अपने स्टॉक्स यहां पर आपको डालते रहता हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो AWL की अगर हम बात करें, अडानी विलमार, तो यहां पर देखिए, ये जो प्रेशर था ये ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज का प्रेशर था, चीजें नीचे आई, ओके। और यहाँ पर चीजें आने का यहाँ तक भी आ सकती थी और शायद इसके इधर तक भी आ सकती थी, क्योंकि फिबो टेक्निक यही हमारे बता रही है। बट आपने देखा होगा, जैसे ही खबर खत्म हुई, और जैसे कि मैं 2-4 दिन पहले मैंने और भी वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि ये खबर के बेसिस पे है और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है और अभी रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब अच्छे रिजल्ट आ गए हैं तो शायद यहाँ पर ये चीजें ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। बट एक चीज, ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, ओके। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या होते हैं टेक्निकल में, या तो इसे टच करके चीजें नीचे आ जाएगी, या फिर जो ये यहाँ पर आपको जो ग्रीन लाइन दे रही है, दे रखी है, तो इसे टच करके नीचे आ जाएगी या इसे टच करके नीचे आ जाएगी। तो चार्ट पैटर्न यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। तो आपको ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना, आप अगर सोच रहे हो कि ये शेयर दोबारा इस रेंज पे जाएगा, तो अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए। डाउन ट्रेंड चालू है, बिल्कुल ट्रेंड यहाँ पर बदल चुका है, हो सकता है कि यहाँ पर 1-2-4 दिन और अपर सर्किट लगे और यहाँ पर टच करके चीजें नीचे आए। तो थोड़ा कॉशियसली ऊपर पे बेचने की कोशिश करिएगा, नीचे यहाँ पर चीजें आएगी तो यहाँ पर खरीदिएगा मत। क्यों? क्योंकि
स्टेज वन टू और थ्री और उसके बाद फोर चल रही है, और जब स्टेज फोर चल रही होती है तब खरीदते नहीं है। बाकी यहाँ पर ऑपरेटर एक्टिव है तो हो सकता है चीजें ऊपर ले जाए, तो ऑपरेटर जहाँ पर होते हैं वहां पर स्टॉक मार्केट काम नहीं करता, फिर वहां तो पैसा काम करता है, तो आपको यहाँ पर समझना चाहिए। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को स्टडी करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करें ताकि इस तरह की वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।